मंदिर के पुजारियों एवं मस्जिद के इमामों को नववर्ष पर उपहार स्वरूप जैकेट वितरण कर उनकी दुआ और आशीर्वाद के साथ नए साल की शुरुआत की। विधायक आरिफ मसूद ने भोपाल में मध्य विधानसभा क्षेत्र से विधायक आरिफ मसूद द्वारा आज लिली टॉकेज स्थित नीलम पार्क में नववर्ष के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मध्य विधानसभा क्षेत्र के मंदिरों के पुजारियों एवं मस्जिदों के इमाम मुआजिनों धर्मगुरुओं को आमंत्रित कर उपहार स्वरूप नई जैकेट भेंट कर नववर्ष की शुभकामना की गई और नववर्ष की शुरुआत की गई। मध्य विधानसभा की खुशहाली के लिए सामूहिक दुआ और प्रार्थना की गई। इस अवसर पर विधायक आरिफ मसूद ने कहा है कि भोपाल में भाईचारे की एक मिसाल कायम है। आज नफरत भरे माहौल में हमारे सभी धर्म गुरुओं ने यहाँ इकट्ठा होकर मोहब्बत का पैगाम दिया, जिसकी आज देश में बहुत ही ज़रूरत है। मेरी विधानसभा के धार्मिक स्थलों जिसमें मस्जिदों के इमाम मोइजाइम और मंदिरों के पुजारियों का भी विशेष ध्यान रखते हुए सर्दी के मौसम में पिछले कई वर्षों से उनके लिए कार्य करते हैं, उसी श्रृंखला में आज नववर्ष के अवसर पर भोपाल के गंगा जमुनी तहसीब को कायम रखते हुए सबको एक साथ एक मंच पर आमंत्रित कर मोहब्बत को आम करो, नफरत को ख़त्म करो नारे के साथ दोनों समुदाय के धर्मगुरुओं को उपहार स्वरूप नई जैकेट भेंट कर नववर्ष की बधाई दी गई है और नववर्ष की शुरुआत की गई है। नहीं, मैं हर साल करता हूँ। जब से मैं विधायक बना हूँ तो मेरा फर्ज समझता हूँ कि ये दुनिया भी नया साल है। इस्लामिक कैलेंडर अलग होता है, सनातन धर्म का कैलेंडर अलग है, सबका अलग है, लेकिन हम सबका मिला जुला कैलेंडर है न्यू ईयर, जिसको हम लोग मनाते हैं और जिस पर सिस्टम पर चलते हैं। तो हम सब लोगों ने कोशिश करी है कि हमेशा मैं ये कोशिश करता हूँ कि सभी धर्म गुरुओं का सम्मान करने का मौका मिलता है, बहुत खुशी होती है। मेरे साथियों को, हम सबको इनको बुलाने का मौका मिलता है। इस बहाने हम इनसे मिल लेते हैं, इनसे दुआएं लेते हैं, इनका आशीर्वाद लेते हैं, खुद के लिए भी लेते हैं, शहर के लिए भी लेते हैं और मुल्क के लिए भी लेते हैं। फिर ये एक अच्छी परंपरा, मैं चाहूंगा हिंदुस्तान के तमाम लोगों को हर मजहब के व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए और उन्हीं के साथ नया साल मनाना चाहिए। नहीं, मैं हमेशा से अपनी विधानसभा के बुलाता हूँ, सरकार जब बनेगी तो पूरे भोपाल और प्रदेश को जमा करेंगे। रक्षाबंधन हुआ, दिवाली हुआ, आप हर त्यौहार मनाते हैं, किस रूप में देखते हैं आप? मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरा फर्ज है कि मैं विधायक हूँ तो विधायक के साथ साथ उस इलाके के एक एक व्यक्ति का परिवार मेरा परिवार है और मैं उनका, तो जाहिर है कि उनके परिवार में जिस तरह वो मेरे साथ खुशियों में खड़े हैं, दुख दर्द में खड़े हैं, तो मैं भी उन सबके साथ खड़ा हूँ, यही वजह।